तो जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं ना, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार मैं तो पास हो जाऊंगा, कि मेरे ये साथ वाला बशीरा नामी लड़का बैठा है ना, ये फेल हो गया। तो दोस्तों, मज़े की बात ये है कि जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वो खुद साथ वाला पास हो जाता है, और जो शख्स होता है जो ये थिंकिंग बैड थिंकिंग सोचता है ना, तो वो फेल हो जाता है। तो मेरा बात कहने का मकसद ये है कि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मेरे साथ वाला जो है ना, अरे उसकी ज़िंदगी तो बहुत कम हो जा रही है, मैं तो बस क़यामत तक ही ज़िंदा रहूँगा। तो ये सब झूठ है। तो मेरे भाइयों, अगर साथ वाला मर सकता है, तो हमें भी मौत आ सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो जस्ट मैं अपनी बहनों से और अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बैड फैशन और गंदे फैशन करने से बाज आ जाएं। ये जो दाढ़ी का फैशन इधर किया हुआ है, औरतों ने अपने बालों की टेंट कराई हुई है, मर्दों की मतलब है टेंट तो नहीं करवाई, बाजू का मतलब है औरतों का, मतलब जो मर्दों का फैशन है ना, वो औरतें बहुत ज़्यादा कर रही हैं। मर्दों के कपड़े पहन रही हैं, कपड़े बहुत मतलब तंग पहने हुए हैं, सारे जिस्म बाहर से नज़र आ रहा है। तो ये रेप के ज़्यादा केसेस मतलब इसी वजह से आते हैं, जो कपड़ों की वजह से, जो मतलब कपड़े भी बहुत बहुत मतलब क्लोजली कपड़े पहने होते हैं। तो जस्ट मैं आप लोगों से कहना चाहता ये चाहता हूँ, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो ऐसा करने से बाज आ जाएँ, क्योंकि ये हमारा जो हमारा दीन है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, ये उन्होंने कितनी मेहनतें करके, कितनी मेहनत मुशक्क़त करके तबलीग की थी। तो मेरे भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन की लाज रखें, उन्होंने तो करबला में अपने नाने के दीन की लाज रखी थी ना, तो हमें भी चाहिए हम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की लाज रखें, और ऐसा करने से बाज आ जाएं, क्योंकि हमें देखकर दूसरे ममालिक की कंट्री मतलब दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ना, जो गैर मुस्लिम, हमें देखकर इंस्पायर हो, हमें देखकर इम्प्रेस हो, ये नहीं कि हमें लान तान करें, हमारे फैशन देखकर, हमारे कल्चर देखकर। हम मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। फैशन ये है जस्ट कि लड़कों का जो दाढ़ी का फैशन है, दाढ़ी जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसका बहुत ही मतलब फैशन करते हैं। मैं लफ्ज़ों में बता नहीं, कोई इधर से कटिंग करा रहा है, कोई इधर से, मेरे भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता है। खूबसूरती हमेशा सादगी में अच्छी लगती है, और जो औरतें हैं ना, हमारी माएँ बहनें, उनका फैशन ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल के, उनकी जो कटिंग है ना, लड़कों बॉयज़ कटिंग, उनकी बॉयज़ कटिंग बहुत ज़्यादा रही। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बहनें, ये ज़िंदगी जो है ना, ये खूबसूरती, ये आपके नए नक्श, ये एक दिन के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट ये बस जिस तरह पानी का बुलबुला नहीं होता, उसकी कितनी ज़िंदगी होती है, चंद सेकंड उस कलम, ये ज़िंदगी भी उसी तरह है। तो ऐसा करने से हम बाज आ जाएं, ये जो कपड़े तंग पहनते हैं, जो